नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। लखनऊ के SC ST कोर्ट में आज शूटआउट की घटना हुई है। कोर्ट के बाहर फायरिंग की घटना को वकील की ड्रेस में आज शूटर्स ने अंजाम दिया। फायरिंग की इस घटना में मुख्तार अंसारी का करीबी संजीव जीवा और एक बच्ची की मौत हो गई है। मृतक स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या का अभियुक्त था, जो मुख्तार अंसारी का करीबी भी बताया जा रहा है। तो पश्चिमी यूपी का गैंगस्टर्स जीवा की क्राइम कुंडली हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। पश्चिमी यूपी का कुख्यात बदमाश था जीवा और 22 से ज्यादा मामले उस पर दर्ज थे। ये पूरी क्राइम कुंडली, क्राइम हिस्ट्री, 35 बदमाशों के साथ गैंग चलाता था और बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या में भी नाम शामिल था और कृष्णानंद रॉय हत्या में भी नाम जीवा का सामने आया था। मुख्तार और मुन्ना बजरंगी गैंग से जुड़ा था। बड़े आक्रोशित हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल मैं बताना चाह रहा हूँ, अंदर एक जो हाथ आरोपी को पेश किया गया, हाथ आरोप भी है, उसको किसी अज्ञात व्यक्ति का गोली मारी गई, उनको अस्पताल तुरंत पहुंचाया गया और इस दौरान एक सिपाही को भी कुछ छर्रे लगे तो उन सभी को अस्पताल ले जाया गया। और यहाँ हमारे सामने मौजूद है, घटना स्थल पे टुरगुल पास में ही खड़े हैं हम लोग, या जिला अधिकारी लखनऊ है मिस्टर SP अग्रवाल। गंगवार साहब एक बार बताते रहिए, आज की घटना पे आपने क्या ऑब्जर्वेशन किया टुरगुल? अभी जो इंसिडेंट हुआ था उसमें संजीव उर्फ जीवा की डेथ हो गई है, जो एक बच्ची है 1.5 साल की, उसका इलाज चल रहा है, अभी वो स्टेबल है और बाकी हम लोगों ने घटना स्थल का भी दौरा किया है। इसकी बृहद जांच हो रही है, जांच में जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग लिखा दी गई है। SIT बिठा दी गई है। SIT के बाद आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं कि मतलब क्या होना है? अगर कहीं किसी की लापरवाही रही होगी तो वो चिन्हित करके उसमें कार्रवाई की जाएगी। तो जैसा कि जिलाधिकारी ने कहा कि जो लोग क्योंकि लापरवाही होगी उनको निश्चित रूप से दंडित किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन रियाज के साथ अनिल के अंकुर, लखनऊ।